मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार के 100 दिन पूरे होने को कांग्रेस ने काला दिवस बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनाधार देकर चुना था, लेकिन भाजपा पार्टी और शिवराज सिंह ने साजिशपूर्ण तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ओमकार शर्मा, जिला महामंत्री सुरेश तोनी, ब्लॉक महामंत्री अवध बिहारी, राधेश शर्मा, शिवकांत दहिया, अखिल दुबे, मुकेश दुबे, रजनीश मिश्रा, अनिल तिवारी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एवं कटनी जिला ग्रामीण के अध्यक्ष ठाकुर गुमान सिंह जी के निर्देश पर हम समस्त ढीमरखेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कार्यकर्ता आज के दिन यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं। आज शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए, और हम भारतीय जनता पार्टी की समस्त नीतियों का विरोध करते हुए हम सब समस्त कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे वो कोरोना संकट में सरकार विफल रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में सरकार विफल रही है, हर मामले में आज आमजन पीड़ित हैं और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर समस्त ब्लॉक के कांग्रेसकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं।